चलिए तो आज ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं ऋषिकेश सबसे पहली बार गया था, मेरे फादर की आर्मी में पोस्टिंग देहरादून में थी 1997-98 के दौरान। तो आर्मी बस हमें अक्सर ले जाया करती थी, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी मसूरी। तो पहले ऋषिकेश जाते थे, फिर दूसरी बार जब मैं यहाँ पे देहरादून में रहता MBA करने आया था 2011 में, तब से मैं लगातार जा रहा हूँ। ये जो फोटो देख रहे हैं 2015 की फोटो है, जब से ज्यादा मैं एक्टिव हो गया था फोटो खींचने में। तो ये शिवेंद्र है मेरा एक रिलेटिव, तो उसके साथ में गया था, ये भी देहरादून में जॉब करता था। तो हम वहाँ पे थोड़ा गए थे घूमने, गंगा किनारे बैठे हुए थे। ये अगस्त की फोटो है 2016 की, मॉनसून का टाइम था। तो ये जर्मन बेकर से मैंने फोटो खींची थी। लक्ष्मण झूला सामने दिख रहा है और सामने मणिकूट पर्वत, नीलकंठ टेम्पल जिसपे है, सामने ये बंकिस्टे दिख रहा है। ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है। नॉर्मली कोरोना से पहले इतनी ही भीड़ रहती थी ऋषिकेश में। ये लक्ष्मण झूला की भीड़ है, यहाँ पे बंदर बैठा हुआ है और देखो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ से तो स्कूटी पार करना तो समझो पॉसिबल नहीं था। ऋषिकेश सबकी फेवरेट डेस्टिनेशन है, सब यहाँ पे आना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बिल्कुल अलग है, माइंड ओपन हो जाता है यहाँ पे आके। 9 सितंबर 2016 की फोटो है। रेस्टोरेंट का मेन्यू भी दिखा दूंगा। यहाँ पे स्विच गार्डन था भंडारी कॉटेज के पास, तो ये भी बहुत यूनिक एरिया है, बेस्ट रेस्टोरेंट था, अभी तो नहीं है, नेपाली भैया ने खोला हुआ था, नेपाल चले गए थे। ये कुछ इस तरह का मेन्यू है इसका, इटालियन, इजरायली, स्पेनिश, हर तरह का मेन्यू है यहाँ पे। कुछ इस तरह का ब्रेकफास्ट रहता था, ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट 290, स्पेनिश ब्रेकफास्ट 250, एग बेनेडिक्ट ये 290। तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट में नॉर्मली फ्राइड एग, हैर्स ब्राउन पोटैटो, बेक बीन, टोस्ट, मिक्स वेज, टी और कॉफी। स्पेनिश में स्पेनिश ऑमलेट, हैर्स ब्राउन पोटैटो, टोस्ट, मिक्स जूस। इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसमें जूस भी मिलता था, चाय, कॉफी कुछ भी लेना है। ये ऑमलेट हो गया, ये हैर्स ब्राउन पोटैटो हो गया, ये क्रोसेंट हो गया। नॉर्मली ऋषिकेश में इस तरह का ब्रेकफास्ट नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत फॉरनर्स आते हैं, फॉरनर्स की वजह से इन्होंने अपने आप को इस रूप में ढाल लिया है। ये 2016 का 16 नवंबर का फोटो है, काफी अच्छी गुनगुनी धूप खिली हुई थी, थोड़ा लक्ष्मण झूला के पास से फोटो खींचा था। ये काफी फेमस स्पॉट है वशिष्ठ केव, वशिष्ठ गुफा, जिसको जीसस केव भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम गए थे। हालांकि मैं इसके अंदर कभी नहीं गया हूँ, क्योंकि जिस टाइम मैं जाता हूँ उस टाइम ये बंद रहती है। ये देखो वशिष्ठ गुफा ओपन होता है जब टाइमिंग होती है, इसके अंदर एक गुफा है और ये देखिए गुफा दिख रही है, छोटा सा गेट है। ये भी जरूर जाइए कभी ऋषिकेश जाए तो, ये ऋषिकेश से थोड़ा सा 20-25 मिनट की ड्राइव पर है शिवपुरी से आगे, और गंगा किनारे है, ये समाधि कक्ष है, यहाँ पे काफी शांति मिलती है, बहुत यूनिक है। वशिष्ठ गुफा से जब हम ऋषिकेश वापस आ रहे थे, रास्ते में शिवपुरी पड़ता है, वहाँ पे बुल्स बिस्ट्रो था, तो जहाँ पे हमने लंच ट्राई किया, ये लंच हम कर रहे हैं, काफी टेस्टी लंच था, बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा लगा। स्विच गार्डन में डिनर करा करता था, तो वहाँ पे इस तरह की लाइब्रेरी किताबें रखी रहती थी, आप कोई भी किताबें पढ़नी है। और उस दिन शायद मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था और हनी लेमन जिंजर ड्रिंक, 2016 की बातें बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट ये किया था स्विच गार्डन में, जिसमें हार्स ब्राउन पोटैटो की फुल प्लेट ली थी मैंने, और ये हॉट डॉग टाइप कुछ उन्होंने बनाया था, और साथ में जूस और कॉफी। ऋषिकेश के आसपास के पहाड़ और गांव कुछ इस प्रकार हैं। ये भूतनाथ टेंपल का है, काफी फ्रेंडली लंगूर है वहाँ पे, उनको कुछ खिला रहा था। नॉर्मली इस तरह की शॉप आपको बहुत मिल जाएंगी, फ्री लेक्चर ऑन आयुर्वेदा, एक्सप्लोर योर सेल्फ, डाइवाइन स्कूल ऑफ आयुर्वेदा, इस तरह से ही पूरा ऋषिकेश बसा हुआ है। और हर किसी भी कैफे में आप जाएंगे इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे, जिसमें आयुर्वेदा फंडामेंटल्स, 3-डे वर्कशॉप है। तो फॉरनर्स काफी पैसे देते हैं इन चीजों के लिए, तो लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। ये देखो ये नीदरलैंड के बाबा हैं जो यहाँ पर प्रवचन करते हैं डोनेशन बेसिस पे, स्पिरिचुअल हीलर वर्कशॉप, बहुत चीजें हैं, योगा निद्रा। ये फेवरेट कॉफी है मेरी जो ऋषिकेश में नॉर्मली मिलती है, ये ब्लैक कॉफी साथ में मिल्क, इन दोनों को मिक्स करो, चीनी मिलाओ और पी जाओ, सुपर्ब कॉफी। स्विच गार्डन वहाँ पे एक होटल है, तो वहाँ पे ये सब लगा हुआ था, तो मैंने ये फोटो खींची थी। कोई रॉयल एनफील्ड अपनी बेच रहा था, फॉरनर बहुत आते हैं, रॉयल एनफील्ड खरीदते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, लेह लद्दाख वगैरह जाते हैं और फिर बाद में बेच के चले जाते हैं। तो ये 1.2 लाख में कोई अंग्रेज बेच रहा था, नंबर भी दिया हुआ है इसमें। स्टिक फोल्क म्यूजिक का यहाँ पे लगाया हुआ है, ओपन सत्संग, चक्रा हीलर, चक्रा बैलेंस। स्विच गार्डन में इस तरह से बोर्ड लगा के रखते थे वो नेपाली भैया जो थे, होममेड पास्ता, नेपाली थाली, पिज्जा, एवोकाडो, मोमो, फलाफल, ये इसराइल का फलाफल खाना है, सिजलर एक्सेट्रा वगैरह। स्विच गार्डन रेस्टोरेंट में कुछ इस तरह का माहौल रहता था, बहुत फॉरनर हमेशा नॉर्मली बैठे हुए दिखते रहते थे। इस तरह से लोग सोलो ट्रेवलर्स, फॉरनर्स, इसराइली और पूरे वर्ल्ड से आते थे लोग। देखो जैसे फॉरनर है, बिना चप्पल के बैठा है, बिना चप्पल के नंगे पैर ही घूम रहे हैं, बहुत फ्रीडम महसूस होती थी इनको ऋषिकेश में आके। इतने भी नग वगैरह की माला की दुकानें, एक हरिद्वार में जेनविन है और एक ऋषिकेश में जेनविन है। अभी किसी को अगर पूछनी है जेनविन शॉप, कमेंट कर देना, बता दूंगा भाई, गूगल मैप का लिंक भी दे दूंगा, बिल्कुल सुपर। ये मैंने काफी इनमें से खरीदी थी, उस दिन मेरे 14-15 हजार रुपए खर्च हो गए थे, जैसे काला हकी, टाइगर आई
और नौरत्ना, नौरत्न के सबके अलग अलग हैं, बिल्कुल प्योर और जेनविन। इनका रेट भी अलग अलग है, कोई 900 रुपए की है, कोई 1500 की, कोई 3000 की। ये देखिए काफी ब्रेसलेट भी हैं, ये सब मैंने खरीदा था, जैसे ये स्पैटिक की होगी, ये सफेद मोती हो गया, और ये टाइगर आई हो गया, काफी सारे हैं इसमें, प्लैनेट्स के अलग अलग हैं। मिक्स फोटो है जो भी मेरे साथ सामने आ रहे, मैं दिखा रहा हूँ। फुल मून मेडिटेशन योगा हीलिंग का किसी ने लगाया हुआ है 16th October 2016, तो फुल मून हीलिंग पे अलग ये 2200 रुपए ले रहे हैं, पता नहीं किस तरह से हीलिंग कराते हैं। योगा नो हाउ यू कैन हेल्प, और मतलब एनजीओ है ये, डॉग से हेल्प करता है, इस तरह से नॉर्मली है वहाँ पे ये सब चलता रहता है ऋषिकेश में। ये मैं कुछ शायद ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। ये बुलेट है 500cc की, किसी फोनर की, खड़ी हुई है कैफे के बिस्टो निर्वाणा के बराबर में। एक दिन मैं अपने फोनर्स फ्रेंड्स के साथ रमानिया कैफे है वहाँ पे, रमानिया गार्डन ऑर्गेनिक कैफे, वहाँ पे गया था। तो इसका पढ़ लीजिए मेन्यू पाउच करके किस हिसाब से है, क्या क्या रेट है। काफी महंगा था, काफी महंगा। यहाँ पे पिज्जा एंड मूवी नाइट 350 पर एंट्री, और कुछ इस तरह से व्यू था वहाँ का, पूरा बना रखा है वुड से, बांस से। यहाँ पे शूज पहन के आप शायद अब स्टे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे शूज निकाले हुए हैं। फ्रेंड हैं कुछ स्पेन के मेरे दोस्त, ये अर्नेस्टो हैं, और ये सब बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये पता नहीं क्या ऑर्डर किया था इन्होंने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रस्ते में ये बोर्ड लगा हुआ था, कुंडलानी योगा 7 days 7 chakras 4 विद एलेक्से नचे, मतलब फोनर्स भी काफी ये टीचिंग करते हैं, इनकम करते हैं। 4000 rupees ले रहे थे ये 7 days के, और टाइम है ठीक है। इसमें पिज्जा के कैफे रेस्टोरेंट सिर्फ दो ही बेस्ट हैं, एक विजय कैफे है, वी जेज कैफे, और एक है ला आ तबोला कोंते। इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, कोई इटालियन पर्सन था, उसने स्टार्ट किया था। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से रेट है, मतलब नॉर्मली जो कम से कम है वो 260 रुपए में, इसमें शायद टैक्स वगैरह मिलाते होंगे, और कमीशन शायद 400 रुपीस में है। तो ये वुड में बनाते हैं इसको, थिन क्रस्ट पिज्जा होता है ये, उस दिन पिज्जा हमने ऑर्डर किया था, ट्रामिशू बोलते हैं शायद इसको, और काफी मतलब खीर टाइप होता है ये, काफी इसके ऊपर चॉकलेट की ड्रेसिंग होती है, इतना टेस्टी लगता है, बहुत गजब। कभी ऋषिकेश आए तो ला तबोला कोंते रेस्टोरेंट जाइए जरूर, बहुत बेस्ट है। ये कुछ मेरे फोनर फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम के 2016 की बातें हैं, ये अनिल जी हैं जो इस पूरे आश्रम को रन कर रहे थे जहाँ पे हम रुके हुए थे, गेस्ट हाउस टाइप था ये। जर्मनी से हैं, और अभी तो मैंने इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा हूँ, फिलहाल इनकी ये वाइफ हैं थाईलैंड की, और ये दोनों एक साथ ट्रेवल करते थे। इन्होंने बहुत सालों से 20-30 सालों से इंडिया आ रहे हैं, बुलेट से पूरा लेह लद्दाख घूमा है। अभी तो खैर पिछले कई सालों से मैं इनको 4 साल 2016 के बाद तो ये इंडिया नहीं आए हैं। और बाकी ये भी इनके फ्रेंड हैं, ये रशिया के हैं, ये थोड़ा फन करने, थोड़ा आपस में मतलब, तो थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी शाम को, ये तो ड्रिंक करता था बहुत ज़्यादा, ये हमेशा रात को पी लेता था, बाकी ये नहीं पीते थे। ये दोनों बहुत कंजूस थे, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह अपना सब ब्रेड ब्रेड से काम चलाते थे, बहुत पतले पतले थे। अभी भी ये कुछ लेके आया था इसके लिए, अनिल के लिए, अनिल जी के हाथ पर रख दिया इन्होंने, अनिल भाई के, और ये खा रहे हैं कुछ। ये ला तबोला कोंते का ये बोर्ड है, तो इटालियनो पिजेरिया, ये देखो इटालियन में लिखा हुआ है पूरा, द ओरिजिनल इटालियन एक्सपीरियंस। ये देखिए सब बैठे हुए हैं, मेमोरीज हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, सिर्फ मेमोरीज रह जाती हैं, क्या दिन थे, क्या टाइम थे, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत सारे टूरिस्ट आते थे, एक महीना रहते थे, योगा करते थे, ऋषिकेश को घूमते थे, या इंडिया गंगोत्री वगैरह भी चले जाते थे ये लोग, तो आते थे चले जाते थे, जब जाते थे काफ़ी दुख होता था। तो ये भी एक दिन था जिस दिन हमारे 3-4 दोस्त हमसे अलग हो रहे थे, जिसमें से कि ये पोलैंड की लेडीज़ थी, ये पोलैंड की लेडीज़ थी, और ये स्पेन के, ये जा रहे हैं अभी सब, टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ये मतलब मामा कोटेज है, मामा कोटेज के सामने की फुटेज है, और यहाँ पे हाई लैंडर्स कोटेज रोड हाउस बिस्त्रो, और यहाँ पे जर्मनी वाले हैं, ये थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फोटो, ताकि मेमोरीज रहें हमेशा के लिए। फ्रिज गार्डन के बराबर से कुछ इस तरह से व्यू आता था, क्योंकि इस पूरी जगह को हाई बैंक बोलते थे, तो हाई बैंक से इस तरह का व्यू आ रहा है। रोड हाउस बिस्त्रो जो कैफे है उसमें गाय अंदर जा रही है, नॉर्मल ये सीन ऋषिकेश में देखने को मिल ही जाता है। एक छोटा सा पोर्शन था जहाँ अनिल जी ये गेस्ट हाउस को रन करते थे, जंगल में था, बाग में था, तो बहुत शांति थी, बहुत पीस थी, हम आराम से यहाँ बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन, मन बात करते रहते थे। ये रूम था यहाँ का नॉर्मल सा, ये बाथरूम दिख रहा है सामने, ये रूम है, और रूम की कॉस्ट थी 300-250 रुपए पर नाइट, तो महीने का भी कुछ खास नहीं पड़ा करता था हमें। इसमें सामने ये योगा हॉल था, ये दूसरा रूम था जिसमें जर्मनी के रहते थे, इस तरफ मैं रहा करता था, ये फर्स्ट फ्लोर, नीचे ग्राउंड फ्लोर, पूरा गार्डन वगैरह था चलने का। और इस बिल्डिंग को मैंने काफी लेने की कोशिश की कि मैं इसको रन करूं, लेकिन मेरे कभी हाथ नहीं लग पाई। बीच में कुछ साल स्पेनिश लोगों ने ली थी ये लीज पे, अभी उन्होंने छोड़ दी, तो अभी किसी और पर्सन ने ले ली है। इस तरह का बेड रखा हुआ था इन्होंने, पतले पतले से गद्दे थे, बिल्कुल सिंपल रूम थे। ये वाला रूम था मेरा, जो मेरा फेवरेट रूम है, बिल्कुल कोने वाला, सामने बैठने की जगह, बाग, और रात को तो ऐसी हवा चलती है ऋषिकेश तपोवन में, बस पूछो मत, इतनी शांति, स्पिरिचुअलिटी, और अर्ली मॉर्निंग व्यू, माय गॉड। ये थोड़ा सा इस तरह से दिखता है, जहाँ मैं रहा करता था वहाँ पर पूरे दिन बंदर और लंगूरों का आना जाना लगा रहा करता था। ये बंदर देखो किस तरह से दीवार पे लेट गया है। ऋषिकेश में घूमने फिरने की कमी नहीं थी, तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होती है वहाँ पे।
तो कभी भी मैं गंगा के किनारे निकल जाया करता था तो ये फोटो वगैरह खींच लिया करता था। ये देखो राफ्टिंग हो रही है। ये सारी इमेज 2016-17 की है, फिलहाल ये 16 की ये दिखा देता हूँ। ये इमेज 4 दिसंबर 2016 की है, किस तरह से ऋषिकेश उस टाइम दिख रहा था। एक इंटरेस्टिंग पोस्टर और मिला मुझे, तो मैंने फोटो खींची। तंत्रा वर्कशॉप लव टू लव एन एक्सपीरियंस नेवर टू फॉरगेट बाय, ये सेंड्रा है कोई और ये एमसी है, ओनर ही है सब। तो 2 days ऑफ इनोसेंट इंटीमेसी एंड सॉल्वफुल कनेक्शन वेयर द हर्ट मीट्स, 6,000 पर पर्सन ले रहे हैं ये। अगर कोई कपल है तो 11,000 रुपये, फूड इंक्लूडेड है इसमें। तो ये कोई गेस्ट हाउस है, योग गुरु राधा कृष्णा गेस्ट हाउस तपोवन। ये हाई बैंक में जहाँ पे स्विच गार्डन था उसके बराबर में स्विच रेस्टोरेंट था। तो ये देखो नेपाली भैया इधर खड़े हैं, ये पूरा मतलब ये फोनर बैठा है कोई, शायद अमेरिका का है, इसके पीछे गाय खड़ी है। इनको मैंने, इन फोनर को हमेशा मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ऋषिकेश आते देखा है, 2015, 2016, 2017, 2018 तक, 2018 और 2019 में भी लगातार। मेरे पास इनके अलग अलग फ़ोटो हैं हर साल के, अगर आगे कोई आएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ध्यान रखना देखो इनका। तो यहीं पे आते थे, बैठे रहते थे, किताब पढ़ते रहते थे, कॉफ़ी पीते रहते थे, गायें पास में खड़ी है, पूरा कोजी इन्वायरमेंट। और ये सब पूरा ऋषिकेश की जो फीलिंग है, वाइब्स है, स्पिरिचुअलिटी है, वो कहीं नहीं है। कुछ काम से मैं गंगा वाटी का भी जाता रहता था, तो ये गंगा वाटी का फेज़ 2 है। काफ़ी विला बने हुए हैं यहाँ पे, तो विला सुपर में यहाँ पे कोई होम स्टे भी चलाते हैं, कोई आयुर्वेद इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कुछ ने आश्रम भी खोले हुए हैं, जैसे योगालय आश्रम स्पेनिश लोगों ने खोला हुआ है। तो ये जो फोटो मैंने खींची है गंगा वाटी का फेज 3 के जो अपार्टमेंट बने हैं पेंट हाउस से खींची है, जब तो ये बनने लग रहे थे, 2016 दिसंबर की बात है। तो ये यहाँ पे पूरा गंगा वाटी का फेज 2 दिख रहा है, ये अपार्टमेंट है, और ये गंगा वाटी का फेज 1 सामने परमार्थ निकेतन है ये पूरा। और देखो जानकी सेतु अभी बना नहीं है, नामो निशान भी नहीं है जानकी सेतु का। कभी कभी मन करता था इंडियन खाने का, तो मैं राजस्थानी रेस्टोरेंट निकल जाया करता था, वहाँ की मिठाई और सब कुछ सबसे बेस्ट है ऋषिकेश में। वैसे तो ऋषिकेश में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैफे हैं, इसको आप कैफे सिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन एक कैफे जो कि ट्रेवलर्स के बीच में काफ़ी फेमस है वो है बिस्ट्रो निर्वाणा। तो ये बिस्ट्रो निर्वाणा में लाइटिंग थी, तो उस दिन मैं बिस्ट्रो निर्वाणा गया एक दिन। और ये देखो इनका कुछ वुड पे बना रखा है इन्होंने मेन्यू, बिस्ट्रो निर्वाणा वेयर फूड मीट्स द सोल, बाईपास रोड पर पड़ता है ये तपोवन। बिस्ट्रो निर्वाणा का फूड मैं बाद में दिखाऊंगा जब उसके फूड का फोटो मेरे सामने आएगा, भी नहीं आया वो फिलहाल। ये देखो कितना सनी डे है, दिसंबर का मंथ है, काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है। और स्विच गार्डन वालों ने यहाँ पे चौक से लिखा हुआ है नेपाली ब्रेकफास्ट, इजरायली, इंडियन अमेरिकन, चीज़ फ्रेश, फिल्टर कॉफ़ी, कैपेचिनो, इन्हीं की रिक्वायरमेंट आती है ज़्यादा। फिर मैं भूतनाथ टेंपल की तरफ गया, तो वहाँ पे मैंने ये राजाजी नेशनल पार्क का पूरा फोटो खींचा। यहाँ पे एक खंडर, एक भवन था जो कि अभी यूज़ में नहीं था। फोनर मैंने देखे हैं, यहाँ भी जाके फोटोग्राफी करते रहते हैं। और यही ऊपर नीलकंठ ट्रैक जा रहा है और इधर से ही बाईपास रोड। ये भूतनाथ टेंपल का आश्रम है जहाँ पे कुछ साधु रहते थे और इसको मेंटेन करने वाले भी रहते हैं यहाँ पे। ये जर्मन बेकर्स के सामने से ही मैंने बराबर से ही खींचा था फोटो। लंगूर बैठा हुआ है पीछे, त्रिंबकेश्वर टेंपल है ये लेफ्ट साइड में, बंक स्टे इधर हॉस्टल दिख रहा है, और ऊपर मणिपुर पर्वत। ये पता नहीं फोटो कहाँ से आ गया बीच में गैस का, देखो गैस की सील टूटी हुई है और गैस का जो कैप है उसमें जहाँ से वो पिन खिंचती है, जैसा कि मैंने स्कैम की वीडियो बनाई थी कि इंडियन गैस वाले किस तरह से 2 किलो गैस चोरी करके और सील इस सील को डैमेज करके टेंपर करके और दोबारा से लगा देते हैं, तो इसका ये फोटो आ गया। इसको देखो मैं कितने पुराने समय से इस चीज़ को ट्रैक कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ बुकें जो ऋषिकेश में नॉर्मली हर कैफे में, हर योगा इंस्टीट्यूट में मिलती हैं, जैसे कि ये इंडिया बुक काफ़ी फेमस है, शायद योगानंदा की बुक है, कुछ बुक यहाँ पर रखी हुई है, भगवद गीता भी रखी हुई है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने 2017 में अलवा में अपार्टमेंट लिए थे जिसका मैंने बिजनेस किया था। इन अपार्टमेंट को मैंने 20,000 रुपये रेंट पे लिया था, जिसकी एक दिन की कमाई 4,000 रुपीज़ थी। काफ़ी अच्छे प्रीमियम कोटेज थे, अपार्टमेंट थे। हालांकि मेरे पास जो अपार्टमेंट था वो इस तरफ का था हिल व्यू, उस तरफ गंगा व्यू है, तो 2 BHK 3 BHK सब है यहाँ पे, होटल भी चलता है अलवा का लेफ्ट साइड में। ये यहाँ पे गार्डन बना हुआ था अलवा की प्रॉपर्टी में, ये रेस्टोरेंट है ओपन रेस्टोरेंट, उधर स्विमिंग पूल है। ये देखिए अलवा का इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, अगर आप यहाँ पर खड़े होकर फोटो खींचेंगे तो ऐसा लगेगा पीछे गंगा से मिल जाता है ये। इधर ये नीम बीच है जो राइट साइड में दिख रहा है। ये मैंने ऊपर एक अपार्टमेंट से फोटो खींचा था, तो ये यहाँ पे ओपन रेस्टोरेंट है, इवनिंग में काफ़ी अच्छा लगता है, ये रिवर गंगा आ रही है, यहाँ पे गार्डन है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ये देखिए 2 BHK है, इधर से गार्डन है और इधर गंगा व्यू दिखता है, ये 2 BHK पूरे होटल्स के रूम है, कुछ प्राइवेट रूम है। अब तो काफ़ी महंगे हो चुके हैं ये, जब पहले लोगों ने ये 2 BHK, मेरे ख्याल से 2004 की बात है या उसके आसपास की, तब 25-30 लाख में लोगों ने खरीदे, और अब इनकी कीमत 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ भी है, क्योंकि एक ही रात का किराया इनमें 10,000 रुपीज़ है। तो कुछ लोगों ने इधर होटल को दिए हुए हैं अलवा को, कुछ लोग अपने आप चला रहे हैं, वन ऑफ द प्रीमियम प्रॉपर्टी बिसाइड रिवर गंगा। और ये मोनोपोली समझिए अपार्टमेंट की, उसके बाद तो सरकार ने बैन लगा दिया था कि ऋषिकेश के साइड में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो ऑलरेडी हो चुका था
वो हो चुका था, जिसकी गैलरी है अंदर अलवा की। यहाँ पे स्विमिंग पूल के साइड में ये बाथिंग रूम है और यहाँ छोटे बच्चों का पूल है। यहाँ पे हमेशा एक केयरटेकर रहता था जो कि देखता रहता था कि सब लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहन के नहा रहे हैं यहाँ। और ये ऊपर बद्रीनाथ रोड जा रहा है, इस तरफ से ये पूरा बद्रीनाथ हाईवे। ये फोटो 12 अप्रैल का है, 12 अप्रैल 2017 का। इस तरह का रूम था, ये डॉक्टर थी कोई जिनका मैंने अपार्टमेंट लिया हुआ था लीज पे, एक किसी लड़के के पास साथ पार्टनरशिप करके जो कि योगा कराता था ऋषिकेश में। तो इस तरह का बेड था, इधर भी एक बाथरूम था, उधर भी। इसकी अगर वीडियो मिलती है तो इसका भी एक टूर में दे दूंगा कभी। ये मेन एंट्री यहाँ से थी, ये छोटा सा पोर्शन था, ये सोफा कम बेड था लॉन्ड्री के कपड़े रखने के लिए। बाकी ये राइट में किचन थी छोटी सी वॉल माउंटेड, और उधर मेन रूम था, इधर भी बाथरूम था, उस तरफ भी बाथरूम था। ये एक अपार्टमेंट था जहाँ से सब व्यू आ रहा था। ये कोने वाले अपार्टमेंट थे अलवा में, सबसे महंगे अपार्टमेंट थे और 2 BHK थे। तो एक पर्सन थे जो इसको सेल कर रहे थे शायद 4-5 crore में अपने दोनों अपार्टमेंट। इसके ऊपर एक और अपार्टमेंट था, 2 अपार्टमेंट थे जिन्होंने इंटरलिंक किए हुए थे अपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैनेजर थे जो मुझे दिखा रहे थे, ये मेरा पार्टनर था योगा वाला। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है अपार्टमेंट से, शायद ही ऋषिकेश में कोई ऐसा अपार्टमेंट हो जहाँ से ऐसा व्यू आता हो। ये देखिए बालकनी से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, राफ्टिंग हो रही है, कयाकिंग हो रही है उस तरफ, वो नीलकंठ वाली रोड है, ये टेम्पल है, अब तो काफी कंस्ट्रक्शन हो गया है इसमें। बेस्ट व्यू, बेस्ट। और ये 2 मई का टाइम था, काफी गर्मी थी, भीषण गर्मी 2 मई में, हालांकि आजकल तो इतनी गर्मी नहीं हो रही है। और इस अपार्टमेंट से पूरा ही व्यू आता था, उधर देखो त्रिंकेश्वर टेम्पल भी दिख रहा है और लक्ष्मण झूला भी थोड़ा सा, तो इधर से पूरा तरफ गंगा का पूरा ही व्यू आता था। देखिए पूरा ओपन स्पेस, स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं। और ये तपोवन साइड का व्यू, एकदम से मौसम बदला, ये 12 मई की बात है, एकदम से बारिश आई, मौसम बदला, बहुत तेज आंधी तूफान, जैसा कि ये नॉर्मल होता है तपोवन ऋषिकेश में। ये मैंने एक सेल्फी ली थी वहाँ पे, ओपन स्पेस रेस्टोरेंट था वहाँ की फोटो है। ये लक्ष्मण झूला की फोटो, ये 13 मई की लक्ष्मण झूला की फोटो है, क्योंकि 12 में काफी बारिश थी, तो 13 में जो गंगा नदी थी वो थोड़ा मटमैली हो गई थी। फिर 13 मई को मैं परमार्थ निकेतन की आरती में गया था, और क्योंकि मेरे दो दोस्त आए हुए थे मेरे साथ, MBA में था दुष्यंत, तो ये देहरादून में रहते हैं, मेरे एक रिलेटिव हैं, और ये दुष्यंत दिल्ली से आया था, तो ये मैं और गंगा आरती में गए थे परमार्थ में, काफी एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए क्या सीन है मई के महीने का। फिर हम स्विच गार्डन में चले गए थे कुछ खाने पीने, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे ये, जहाँ पे अभी हम ओपन कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं सब बैठ के, नॉर्मली इस तरह का कोजी एनवायरनमेंट रहता है। फिर जोस्टिल में गया था मैं कुछ देखने की किस तरह के रूम हैं किस तरह का, तो जोस्टिल का ये ओपन स्पेस है। जोस्टिल हॉस्टल काफी फेमस था उस टाइम, तो बहुत कम हॉस्टल थे 2017 में, उसके बाद तो बस बूम आ गया, कम से कम 20-25 हॉस्टल ऋषिकेश में खुल गए थे अकेले। ये जोस्टल का एक्टिविटीज है जो ये कराते हैं, इन हाउस आउटडोर, इन हाउस में मूवी नाइट होती है 9 बजे रात को, बिगिनर्स योगा होता है सुबह 8:30 से 10 तक, मूवी नाइट, बिगिनर्स योगा, म्यूजिक ऑन रूफ, ये सब चलता रहता है इनका। और आउटडोर है कि नीम बीच पर वॉक कराते हैं, कुंजापुरी सनराइज दिखाने ले जाते हैं, तो ये 300 रुपये लेते हैं, सुबह सुबह 4 बजे जाना होता है सनराइज देखने कुंजापुरी पे, तो स्कूटी पे ले जाते हैं बैठा के, अगर आप सोलो हो तो उनको 300 रुपये दो, वो आपको ले जाएंगे। और त्रिवेणी घाट गंगा आरती होती है 5:30 बजे शाम को, वहाँ पे नीरगढ़ वाटरफॉल, ये कुछ फ्री की चीज़ें हैं, कुछ पैसों वाली हैं। हिना मेहंदी लगवानी है किसी को, फॉरनर्स आते हैं तो हिना मेहंदी लगवाते हैं, वो 4 बजे आता होगा कोई लगाने, परमार्थ निकेतन की आरती। तो ये जोस्टिल में TT की टेबल लगाई हुई है, उस तरफ से यहाँ पे वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के चुकने की जगह है, तो लोग खेल रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो मेरा अपार्टमेंट था अलवा ऑन द गंगे में, वहाँ से जो मैं अपने पार्टनर के साथ हिसाब कर रहा हूँ मंथ के एंड में, ये सब इनकम हुई थी वहाँ से, तो काफ़ी खुश हैं हम, काफ़ी इनकम करके वहाँ से। ऋषिकेश एक माया नगरी है, माया नगरी, यहाँ से आप बस कमाने वाला चाहिए, यहाँ से कितना भी कमा सकता है। ये मेरे चाचा जी का लड़का अविनाश दिल्ली से आया था, ये मामा जी है मुजफ्फरनगर से, जब हम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे, ये 16 जून का फोटो है, 16 जून 2017 का, तो हम बद्रीनाथ की यात्रा में गए थे, काफ़ी अच्छा फील था, काफ़ी मज़े आ रहे थे, देखो मानसून किस तरह से। ये 30 जून का फोटो है, और ये नीलकंठ ब्रिज है जो गरुड़ चट्टी बोलते हैं जहाँ पे, तो ये देखो मेरा मुँह पे भी कितना ह्यूमिडिटी दिख रही है, कितने पसीने आ रहे हैं, काफ़ी मतलब अलग ही माहौल रहता है जून में। ये एक झरने का फोटो है जो कि तपोवन में है। तो इस गार्डन में एक फॉरनर अपनी इंटरसेप्टर बेच रहा था, तो ये बाइक जो थी एक 1,78,000 रुपीज़ में बेच रहा था, तो कोई फॉरनर आया होगा, चलाई होगी। अब यहाँ से भी लोग गोवा जाते हैं, लद्दाख जाते हैं अपना घूम फिर के वापस। एक्चुअली ये कुछ लोग किराए पर नहीं लेते, जो समझदार फॉरनर्स होते हैं वो खरीद ही लेते हैं, और जितने में खरीदी होती है उतने में बिक भी जाती है, तो इसलिए वो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि मैंने अपने फॉरनर फ्रेंड्स को सजेस्ट की थी, क्योंकि कुछ उनके लीवर में प्रॉब्लम थी, तो फॉरनर में क्या होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट ही कर देते हैं, निकाल ही देते हैं, लेकिन इंडिया का एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में हम उनको मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो यकीन मानिएगा, मैंने जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था, मैंने इनके देश के डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि लीवर ठीक कैसे हो गया। तो ये सब दवाइयाँ मैंने अपने आयुर्वेद आचार्य गुरुजी से पूछ के कंसल्टेंसी में उनको दी थी, तो जो कि वर्क किया 100% इन्होंने। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, ये जर्मन बेकर्स हैं वहाँ पे काफ़ी फेमस लक्ष्मण झूला के पास,
तो जर्मन बेकर्स पे ये उनका स्पेशल सब्जी थी, ये कुछ फ्राई करके पनीर वगैरह इस तरह से देते थे। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, तो आज कॉर्बेट से अलग हटकर ऋषिकेश का टॉपिक मैंने छेड़ दिया था। बहुत फोटो हैं, कम से कम 1,00,000 फोटो हैं ऋषिकेश के, जो कि मैं पिछले 2015 से क्लिक कर रहा हूँ। और क्योंकि मेरे सारे फोटो मोबाइल से खींचता था तो, और क्लाउड स्टोरेज में ऑटोमेटिक गूगल पे सेव होते थे, तो गूगल की अनलिमिटेड मेमोरी है मेरे पास, तो इतने फोटो हैं मैंने आज तक, मतलब मोबाइल से कोई भी फोटो खींचा है तो डिलीट नहीं किया है। और बहुत सारे फॉरेनर्स फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनका पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का नाम लोगे वहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक कोई ना कोई जानकार फ्रेंड है। और मैं आपको बता दूं, स्पेनिश भी मुझे काफ़ी हद तक आती है और मैं बहुत फॉरेनर से स्पेनिश में ही कन्वर्जेशन करता हूँ। अभी तो पिछले 2-3 साल से मैं बहुत लोगों से नहीं मिला हूँ, क्योंकि वो रेगुलर विजिटर्स थे इंडिया के, क्योंकि एक बार कोई इंडिया आता तो उसको इंडिया से प्यार हो जाता है। इंडिया मतलब वो आती, ज़्यादातर फॉरेनर्स इंडिया आते हैं फरवरी मार्च अप्रैल में, और फिर ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है उन दिनों इसराइली लोग ज़्यादा रहते हैं ऋषिकेश में, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ लाइफ भी जी लेते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता इसराइल वाले, जैसे कि आप जानते हैं। और बाकी टाइम ही आते हैं अक्टूबर नवंबर में, ताकि तभी भी वैसा ही टेम्परेचर रहता है जैसे अप्रैल मार्च अप्रैल में रहता है, बस फ़र्क ये रहता है उस मार्च अप्रैल में थोड़ा बसंत ऋतु रहती है तो और भी सुहाना मौसम रहता है। और यही दो टाइम होते हैं जब कॉमनवेल्थ गेम्स या कुछ भी बड़े गेम्स इंडिया में होते हैं, जैसे कि 2010 में आपने देखा था अक्टूबर में हुए थे, क्योंकि ना बारिश होती है ज़्यादा और टेम्परेचर बहुत बेस्ट होता है। स्टोरी बहुत है बताने को, बहुत ज़्यादा स्टोरी है बताने को, बहुत जगह घूमा हूँ, बहुत पूरे वर्ल्ड के लोगों से ज़्यादातर मिला हूँ, सब मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है मेरे को कि एक बार को शक्ल देख के बता सकते हैं ये यूरोपियन है, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन है। अंग्रेज को देख के अंग्रेज नहीं बोलता, क्योंकि मुझे पता है अंग्रेज सिर्फ ब्रिटिश पीपल होते हैं, स्पेन वाले लोगों को स्पेनिश बोला जाता है, इसराइल वाले को इसराइली, लेकिन नॉर्मली क्या होता है इंडिया में सब लोग कोई गोरा दिखा तो उसको बोलेंगे अंग्रेज, तो खैर ये तो नॉर्मल बात है। और आगे भी अभी तो ये जो फोटो भेजे हैं ये तो 1% है, अभी कुछ इंटरेस्टिंग मैं कलेक्शन बना लेता हूँ। आज तो इतना टाइम नहीं था तो मैंने जल्दी जल्दी ये दिखा दिया, फूड के फ़ोटो अलग से दिखा दूँगा आपको किसी दिन, और बाकी सब जब ऋषिकेश में जाके रहना होगा तो पूरा एक ब्लॉग ही बनते चले जाएंगे ऋषिकेश के। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।